वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो अभी नवरात्रि स्पेशल चल रहा है मेरा चैनल में वीडियोस। तो चलिए बनाते हैं सिंघाड़े के आटे का चीला। सिंघाड़े का आटे का चीला हम फलहार में सिंघाड़े के आटा को खाते हैं। तो देखिए ये रही आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा। अब जितना सिंघाड़े का आटा लिए हैं मैंने फ्रेश दही जमाया, उतना ही दही लेंगे। जितना आटा है उतना ही दही, सेम क्वांटिटी में। आधी कटोरी मैंने आटा लिया तो आधी कटोरी ही दही लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब इसमें मुझे डालनी है थोड़ी सी गाजर, जो मैंने क्रश कट करके रखे छोटी छोटी पीसेस में, ये मैं डाल रही हूँ। छोटी छोटी हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं, जितना आप तीखा, कम तीखा, ज्यादा तीखा खाते हैं। थोड़ी सी जीरा है, खड़ा जीरा, इसको मैं डालूंगी। अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है मुझे लिक्विड को, तो और इसे थोड़ी देर के लिए फूलने छोड़ दूंगी। जब तक मैं आलू की सब्जी बना लूंगी, दही आलू की सब्जी। तो अब देख लीजिए इसका बैटर जो है वो ऐसे ही सिक रहेगा, बहुत ना जो बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो इसको अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा इसका। थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं दही आलू की तैयारी करती हूँ, जो चीले के साथ बहुत टेस्टी लगने वाला है और बहुत जल्दी बन जाएगा। ये कढ़ाई जो है ये गर्म हो रही है, तो अब गर्म हो गई। अब मैं इसमें छोटी चम्मच से 2 चम्मच घी डालूंगी, क्योंकि फास्टिंग में सरसों तेल यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। आप अगर घी नहीं खाते हैं तो रिफाइन ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करना चाहते हैं जो आप फास्टिंग में खा सकते हो, रहने। इसमें 2 चम्मच मैंने दही लिया। अब इस दही को पहले अच्छे से, कोई पानी नहीं ऐड की हूँ दही में, सबसे पहले इस दही को अच्छे से फेट लूंगी। तो किसी भी चम्मच से आप इसको इसमें फेटा तो इसमें सबसे पहले एक छोटी चम्मच धनिया का की पाउडर मैं डाल दी इसमें सबसे पहले। फिर इसमें जाएगा 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए, और थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है खाने में। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप कम डालो, नहीं तो अगर आप अच्छे से तीखा खाते हो तो आप डाल सकते हो 1/4 टेबल स्पून। अब जाएगा इसमें थोड़ी सी गोल मिर्च, चुटकी भर गोल मिर्च है, आप देख सकते हैं। अब इन सब को मिक्स करना है, तो थोड़ा सा इस लिक्विड को थोड़ा सा पतला करना है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो इसमें पानी ऐड कर करके मैं इसे थोड़ा सा पतला कर लूंगी, अच्छे से मिक्स हो जाए और ये फूल जाए दही जो है। अब मसाले जो है इसके अंदर फूल जाए, है ना। तब तक के लिए इसे छोड़ देते हैं, फूलने के लिए इसे छोड़ देते हैं। ये तब तक फूल रहा है जितने मसाले इसमें फूल। जीरा डाल रही हूँ मैं, चुटकी भर जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च है मेरी खड़ी वाली, तो मैं बस 2 टुकड़ों में तोड़ के, क्योंकि इस देखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैं बस 2 टुकड़ों में। और ये कड़ी पत्ता है, करी मिर्च,
ये मैं डाल दी इसके अंदर। अब ये कड़ी पत्ता जाते ही ये पूरा जो है हल्का हल्का फ्राई हो गया है, क्योंकि जो है मेरा ये गर्म था, तो मिर्ची जीरा इन सबको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब एक चीज़ बस आप ध्यान रखिएगा, दही जैसे ही मेरा इसके अंदर जाएगा, दही वाली जो ये मैंने मसाला रेडी करके रखी है, ये वाली मसाले, तो जैसे जाएगा इसको लगातार चलाते रहना, इसे छोड़ना नहीं है, जब तक ये भुना नहीं जाए तब तक इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये फट जाता है। बस ये ध्यान में रखना है, जैसे गया उसके बाद एकदम चलाते रहिएगा। जब तक इसमें उबाल नहीं आए तब तक मैं इसे चलाते रहूंगी, नहीं तो ये फट जाने से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, तो इसे बस लगातार चलाते रहना है, हाथों से हिलाते रहना है। ये तेल छोड़ने लगेगा, घी जो है वो छोड़ने लगेगा, ये भुन जाते मसाला और दही जो है मेरे वो अच्छे से भुंजा जाएंगे। छोड़ने लगेगा, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है ना, ये रहेगा मेरा, ये देखिए ये तेल छोड़ रहा है, तेल छोड़ रहा है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने में। तो आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो गया। अब मैंने दो आलू बॉईल करके रखा था, ये दो आलू जो छोटे छोटे पीसेस में मैं कट करके रखी हूँ, ज्यादा बड़े पीस में नहीं कट किया है मैंने, एकदम छोटे छोटे पीसेस में बॉईल आलू करके मैंने कट कर लिया। अब ये इसके अंदर जाएगा, ये गई बॉईल आलू, मजेदार और बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, रेडी होने वाली है मेरी आलू और दही की। इसके बाद आलू जब ये पूरा अच्छे से आलू लपेट ले ग्रेवी को, भुन जाए, मसाले जो है वो भुन के रेडी हैं, तो आलू जब अच्छे से लपेट ले ग्रेवी को, मैं ऐड कर सकती हूँ ग्रेवी, जितना मुझे ग्रेवी डालना है उस हिसाब से मैं इसमें ग्रेवी डाल देती हूँ। अब देखिए कि आपको कितना ग्रेवी खाना है, क्योंकि वो भुना हुआ है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी पड़ गई, एक ग्रेवी। इसकी स्मेल ही इतनी अच्छी आ रही है ना, ये बहुत टेस्टी बना है, आलू जीरा दही की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अब देखिए ये बस एक उबाल आएगा, तो इतनी थिक ग्रेवी, ठीक है, आप अपने हिसाब से वैसे थिक रख सकते हैं, बाकी ये ग्रेवी सही है मेरे चीला के साथ खाने के लिए। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ये धनिया पत्ता इसके ऊपर, हल्का सा धनिया की पत्तियां मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये बन के रेडी है, जब तक ये ठंडा हो रहा है तो इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, तब तक चीला मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चीला, सबसे पहले मैं एक नॉन स्टिक पैन डाली हूँ, इस पर आप डोसा ऐसा बनाते हो वैसे कोई पैन ले लीजिए, और ये इसके ऊपर यूं थोड़ी सी घी डाल दीजिए, इस पैन को हल्का सा गर्म होने दीजिए, आप ठंडे में भी डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपका मोटा है तो आप उसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप पतला भी कर सकते हैं, और अगर तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप मोटा भी रखना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं, बट थोड़ा टाइम पकाना होगा। ये इसके ऊपर
फ्लेम को हाई फ्लेम कर देती हूँ और इसे अब पकने देती हूँ। क्योंकि ये बहुत पतला है तो इसे पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी पक जाएगा, बस नीचे पकना चाहिए। तो आप धीरे धीरे इसको देख लीजिए और यूं पलट दीजिए। देखिए पलट आ गया। अब इस साइड भी इसे घी तो है ही, बस इसे इस साइड भी पकने दीजिए। दोनों साइड अलट पलट करके हम अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है पलट पलट करके अच्छे से, ये इस साइड थोड़ा सा कम पका है तो हल्का सा पलट के इस साइड पका लेंगे। हल्का सा पकने देते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए पूरा पक गया है, ये कितने अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं। तो इसको ऐसे पलट के इस प्लेट में डाल इसको पका लूंगी। अब ये दही आलू की सब्जी मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरे में। देखिए कितनी टेस्टी बनी है आलू दही की सब्जी और ये सिंघाड़े के आटे का चीला। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, फुल वीडियो फुल सपोर्ट। तो देखिए बहुत टेस्टी बनी है और अगर आप नवरात्रि की हैं तो जरूर बना के खाइए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई यूट्यूब फ्रेंड्स।